अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ महविश तारिक और आज जो है हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। ठीक है, हमने पहले फंक्शनल डिपेंडेंसी को डिस्कस किया और उसके बाद फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी, देन पार्शियल डिपेंडेंसी। ठीक है, और अब जो है हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। ठीक है, अब ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या है कि ये ऊपर होता है टेबल में जब हमारी नोन की एट्रीब्यूट्स हैं वो डिपेंड करते हैं अदर नोन की एट्रीब्यूट्स पे। ठीक है, तो इस टाइप की डिपेंडेंसी क्या कहलाती है, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी कहलाती है। हम इसको कह सकते हैं नोन की एट्रीब्यूट जब हमारे रिकॉर्ड को डिटरमिन करेंगे तो हम इसको क्या कह सकते हैं, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी कह सकते हैं। ठीक है, अब सपोज हमारे पास जो है टेबल है स्टूडेंट का, एग्जाम्पल है ये, ठीक है, टेबल है स्टूडेंट का और इसमें जो मेरे पास एट्रीब्यूट्स हैं वो है रोल नंबर, नेम, क्लास, ठीक है, देन टीचर आईडी एंड टीचर नेम। ठीक है, अब रोल नंबर क्या है, मेरे पास प्राइमरी की है, तो रोल नंबर जो है वो प्राइमरी की है। इन स्टूडेंट टेबल रोल नंबर इज प्राइमरी की एट्रीब्यूट। ठीक है, ऑल अदर एट्रीब्यूट्स आर नॉन की एट्रीब्यूट्स। ठीक है, बाकी जितने भी तमाम एट्रीब्यूट्स हैं वो क्या है, नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं। नेम, क्लास एंड टीचर आईडी एट्रीब्यूट्स आर फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी की। क्या क्या है, नेम, क्लास एंड टीचर आईडी, ये क्या है, फंक्शनली डिपेंडेंट है इसके ऊपर प्राइमरी की। एट्रीब्यूट टीचर नेम इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन टीचर आईडी, यानी कि रोल नंबर जो है वो प्राइमरी की है। ठीक है, अगर मेरे पास रोल नंबर होगा तो मैं नेम, क्लास, टीचर आईडी भी गेट कर सकती हूँ और टीचर का नेम भी गेट कर सकती हूँ। ठीक है, लेकिन जो है क्योंकि मेरे पास सब कुछ क्या है, स्टूडेंट के टेबल में स्टोर किया होगा मैंने, अब जो है मेरे पास टीचर आईडी, क्लास, नेम ये फंक्शनली डिपेंडेंट है किसके ऊपर, रोल नंबर के ऊपर, जो कि हमारे पास प्राइमरी की है। लेकिन जो टीचर का नेम है, ठीक है, ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है, टीचर आईडी के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, क्योंकि जब मेरे पास टीचर आईडी होगी तभी मैं टीचर का नेम गेट कर सकती हूँ। ठीक है, तो लेकिन अगर मेरे पास रोल नंबर है तो मैं ये सारा डाटा भी गेट कर सकती हूँ। यानी कि अब हम कह सकते हैं कि जब नॉन की जो एट्रीब्यूट है वो हमारे रिकॉर्ड को डिटरमिन करें तो हम इसको क्या कह सकते हैं, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी कह सकते हैं। तो रिलेशन स्टूडेंट हैज ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी टू रिमूव, अब अगर हमने इस ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को रिमूव करना है अपने टेबल में, इस रिलेशन में से हम क्या करेंगे, अपना जो टेबल है इसको हम डिवाइड कर देंगे टू फॉर्म्स में। ठीक है, लाइक ये क्या हो जाएगा, स्टूडेंट टेबल जो है इसमें क्या कैसे डिवाइड होगा कि यहाँ पे आ जाएगा रोल नंबर, ठीक है, नेम और क्लास, ठीक है, ये ऐसे आ जाएगा। और दूसरा टेबल जो है वो मेरे पास बनेगा कि रोल नंबर, ठीक है, टीचर आईडी एंड टीचर नेम। यानी कि हम क्या करेंगे, अपने टेबल को टू पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। अब यहाँ पे जो रोल नंबर है वो एज अ प्राइमरी की यूज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो रोल नंबर है वो एज अ फॉरेन की यूज होगा हमारे पास। ठीक है, तो ये तो हमारे पास ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी का कॉन्सेप्ट, जहाँ पे क्या है कि नॉन की एट्रीब्यूट्स हमारे रिकॉर्ड को डिटरमिन करेंगे। ठीक है, अब हमने ये सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं और अब हमने नेक्स्ट पढ़ना है ग्लोबलाइजेशन को पढ़ना है, यानी कि अपने डेटाबेस में से जितनी भी डिपेंडेंसी है, फंक्शनल डिपेंडेंसी है, फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी है, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है, इनको रिमूव करना है और अपनी डेटाबेस को कंसिस्टेंट बनाना है। तो अब हम इंशाल्लाह जो है वो नॉर्मलाइजेशन को पढ़ेंगे, इसके लिए हमारे पास जरूरी था कि हम इन कॉन्सेप्ट को पहले रिसीव करें। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हम पढ़ने पढ़ेंगे नॉर्मलाइजेशन को। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।